good morning students Now today we'll start with the next topic yesterday also we have done about the enzymes right but today we'll continue with that topic and the next is types of enzyme clear the International Union of biochemists IUB they have just divided the enzymes into the six classes right first is oxyreductases okay, what do oxyreductases the oxidational reduction reactions beta. अब ऑक्सीजन रिडक्शन यू ऑलरेडी नो वट इज दिस तो इन दिस केस आइदर ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूवड और इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव और रिडक्शन विल अकर लाइक इन दिस केस यू विल सी एस रिड्यूस्ड प्लस एक्स ऑक्सीडाइज्ड क्लियर तो आगे जाके क्या हो गया जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया जो ऑक्सीडाइज है वो रिड्यूस हो गया सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वन ऑफ द एंजाइम फिर आ जाते बड़े ट्रांसफरेसिस अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे दीज एंजाइम्स कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप किसी खास ग्रुप के लिए काम करेंगे ठीक है और उसको आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे थर्ड आए थे हाइड्रोलेसिस ये एंजाइम्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं दे विल हेल्प टू ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल्स इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ठीक है लेकिन उसके साथ में विद एडिशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो देयर सो दैट्स कॉल्ड हाइड्रोलेसिस नेक्स्ट आए थे बेटे लाइसिस ठीक है लाइसिस ये एंजाइम्स जो हैं ये स्पेसिफिक जगह से किसी कोवेलेंट बॉन्ड को रिमूव करने में हेल्प करते यानी कि उसको तोड़ के एक खास ग्रुप को वहाँ से रिमूव करेंगे एंड विदाउट द यूज़ ऑफ वाटर उसके बाद फिफ्थ टाइप आ जाती है बेटे आइसोमोडेसिस दीज एनजाइम्स कैटेइस द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स यानी कि एटम्स को मॉलिक्यूल में इधर उधर करके दोबारा उसका नया अरेंजमेंट बनाना लाइगेसिस जो होते हैं बेटा दीज एनजाइम्स कैटलाइसिस कोवेलेंट बॉन्डिंग ठीक है दो चीज़ों के बीच में जो कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है बड़े मॉलिक्यूल्स में उसको कैटेलाइज करेंगे यानी कि उसको हेल्प करेंगे बनने में ठीक है और इसमें मोस्टली जो है एनर्जीज यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ ए राइट उसके बाद अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें बेटा तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं राइट वो दो तरह के होते हैं फिजिकल और केमिकल अब जब केमिकल फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है क्लियर दैट इज रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम कि एक सेकेंड में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस पर हम उसका रेट डिपेंड करते हैं तो रेट का मतलब है हम इसमें डेल्टा पी और डेल्टा टी मतलब कितने प्रोडक्ट्स बने हैं पर सेकेंड उसको हम बोलते हैं इसका रेट क्लियर और इसको हम फिलॉसटी भी बोलते हैं अपने फिजिक्स में भी किया है ठीक है वैन देयर इज अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड डायरेक्शन फॉर द रिएक्शन जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा होता है बेटा तो हम इसको वेलोसिटी भी बोलते हैं क्लियर अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है अब उस पर किसका इफेक्ट पड़ेगा आप उसको कैसे तेज़ या स्लो कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है बेटे ठीक है और भी कई फैक्टर्स रहते हैं और इसके लिए वो थंब रूल आपको याद होगा इन जनरल थंब रूल इज द रेट डबल्स और डिक्रीज टू हाफ फॉर एवरी टेन डिग्री सी इंक्रीज अगर आप दस डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है क्लियर अगर कम करते हो तो ऑलमोस्ट जो टेन हाफ uh, है जो इसका रेट है ठीक है तो वो uh, कम हो जाएगा अब इसमें जो कैटलाइज केमिकल रिएक्शंस होते हैं ठीक है अगर आप उसमें कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो तो नेचुरली वो रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा कैटलिस्ट का काम ही ये है ठीक है अब जैसे कई बार तो टेन मिलियन टाइम्स तक बढ़ जाते हैं बेटा रिएक्शंस ठीक है अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेट यूज होता है कार्बोनिक एसिड बनता तो ये रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगा बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट राइट फिर आता है बेटे मेटाबॉलिक पाथवे अब कैसे काम करते हैं अब मेटाबॉलिक पाथवे जो है इज अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन वेयर ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम अब हमारी बॉडी में जैसे रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं ठीक है साइकिल होता है तो इसमें हर स्टेप पे आपको अलग कैटलिस्ट चाहिए ठीक है अब जैसे ग्लाइकोलाइसिस की बात करें ठीक है यानी कि ग्लूकोज को तोड़ना हो इज़ अ मेटाबॉलिकल पाथ वे दैट कन्वर्ट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इंटू टू मॉलिकूल ऑफ पायर्विक एसिड आपने रेस्पिरेशन वाला किया याद होगा आपको अब इसमें हमने तो एक स्टेप में लिख दिया लेकिन एक्चुअल में इसके दस स्टेप होते हैं ग्लूकोज से पायर्विक एसिड बनने में राइट तो वो दस के दस स्टेप्स को अलग अलग एंजाइम्स चाहिए एक्टिवेट करने के लिए द सेम पाथ वी कैन गिव राइज टू अ वराइटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अब नेचुरली है दस स्टेप्स हैं तो चीज़ें भी दस बनेंगी विद वन और टू एडिशनल रिएक्शंस दैट इज अंडर डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड अब अगर आप उसमें कंडीशन चेंज करोगे तो आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे क्लियर अब जैसे हमारे अगर स्कैल्टन मसल्स की बात करें तो दे हैव द एनारोबिक कंडीशन उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है कंडीशन चेंज हो गया तो लैक्टिक एसिड बन जाता है अगर हम यीस्ट की बात करें तो इथाइल एल्कोहल बनता है आपको याद होगा ठीक है तो ये है कुछ चेंजेस अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं तो क्या होता है बेटा उसके प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं राइट अब एंजाइम्स काम कैसे करते हैं ठीक है हाउ डू एंजाइम्स फंक्शन अब जब एंजाइम्स होते हैं बेटे उनके ऊपर एक एक्टिव साइट होती है ये हमें पता है ठीक है और जो एक्टिव साइट पे सबस्टेट बाइंड हो जाता है एक पॉकेट्स की तरह होती है तो उसके अंदर वो फिक्स हो जाता है एंड डिफ्यूज टुवर्ड्स एक्टिव साइट दस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनजाइम सबस्टेट कम्प्लेक्स अब जो सबस्टेट है वो जाके एक्टिव साइट पर उस पर अटैच हो गया तो अब क्या बन गया ये एनजाइम सबस्टेट कम्प्लेक्स बन गया बेटा अब क्या होगा जब वो उसके साथ अटैच हो जाएगा तो एक नई जिसको बोल सकते हो एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी सबस्टेट की उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर क्लियर उसके बाद सून द एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड अब या तो कोई बॉन्ड बनेगा या टूटेगा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन होंगे ठीक है तो वो हो जाएगा एंड द सबस्टेट जो होगा आपका जो चीज़ है वो ट्रांसफॉ हो जाएगी इनटू द प्रोडक्ट्स तो जो भी उसने बनाना है ठीक है तोड़ना है नया बनाना है तो वो हो जाएगा ठीक है Now, अब इसमें देअर कुड हैव इन मैनी अल्टर ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर्स तो अब इसमें बीच में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनेंगी बिगड़ेंगी ठीक है स्टेबल सॉप स्टेट एंड अस्टेबल प्रोडक्ट असली प्रोडक्ट और असली रिएक्टेंट को बनाने के बीच में जब रिएक्टेंट से नई चीज बनती है तो उसके बीच में बहुत सारी आ, चीज़ें बनती है लेकिन वो सारे सब्स्टांसिस क्या होते हैं बेटा अनस्टेबल अनस्टेबल का मतलब बनते और फटाफट टूटते जाते हैं ठीक है थीके? अब अगर हम ग्राफ की बात करें ठीक है हमने कि एक ग्राफ बनाया हुआ बेटा ठीक है अब देखिए पहले सब है तो नॉर्मल कंडीशंस में जो सबस्टेट है दिस इज द स्ट्रेट क्लियर अब ये नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी विद एनजाइम राइट तो उसके बाद ये आप देखिए विदाउट एनजाइम ट्रांजिशन स्टेट है ठीक है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है ठीक है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाया गया देखिए इसमें कितनी कम एनर्जी से वो एक्टिवेट हो गया एंजाइम से और ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्लियर सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन राइट नाउ तो इसका मतलब है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शंस को बहुत इजीली कैटलाइज करते हैं राइट अंडरस्टैंड बेटा अब देखिए जो एनर्जी लेवल होता है सबस्टेट का और प्रोडक्ट का यानी कि एस और पी का वो बताता है कि नेचर ऑफ रिएक्शन कैसा होगा राइट नाउ अब अगर पी जो है दैट इज एट द लोअर लेवल देन द एस यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो एनर्जी है वो कम है सबस्ट्रेट से द रिएक्शन इज एक्सोथर्मे क्लियर तो फिर आपको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर प्रोडक्ट की एनर्जी हायर लेवल पे है क्लियर जो प्रोडक्ट्स है वो हायर एनर्जी लेवल पे हैं देन द सबस्ट्रेट तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा यानी कि हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे लेकिन अगर एस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट यानी कि जो सब स्टेट है वो बहुत हाई एनर्जी स्टेट से क्रॉस कर रहा है ट्रांजिशन स्टेट है तो दोनों एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे क्लियर अब जो डिफरेंस है एनर्जी में जो एवरेज एनर्जी है अब बेटा जो डिफरेंस है एनर्जी में कंटेंट बिटवीन सबस्ट्रेट इन द ट्रांजिशन स्टेट दोनों में जो सबस्टेट और ट्रांजिशन जो बीच में स्टेट बन रही है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर अब जो एंजाइम्स होते हैं दे ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी डाउन उनका मेन काम क्या रहता है वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन उसको लोअर डाउन कर देते हैं एंड मेक द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी इजियर तो सबस्टेट से प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाता है सो दिस इज अबाउट some of the uh, factors or the you can say relating with the enzymes thanks peter